Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine and will be doing good at home. Dear students, as you know that we are reading the poem from your English textbook that is What Does Little Birdie Say? As you know, we read some points. We could now differentiate the poem to the prose. है ना? तो आज जो है पढ़ने जा रहे हैं हम पोइम को, ठीक है? तो एज यू नो कि एक रूल है पोइम को पढ़ने के लिए क्या होना ज़रूरी है, उसको रिदम में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie, mother let me fly away. ये जो पोइम है बेटा, ये एक बर्ड के रिगार्डिंग है. जो छोटा बर्ड है उसको बर्डी कहते हैं, ठीक है? छोटा सा बर्ड है, बेबी बर्ड है. वो अपनी मदर से कहता है, सुबह सुबह कहता है कि मुझे उड़ना चाहिए, मुझे उड़ने दे दीजिए, मैं उड़ना चाहता हूँ, ठीक है? लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी, मदर लेट मी फ्लाई अवे. अपनी मदर से कहता रहता है कि मुझे अब उड़ने दीजिए, मैं उड़ना चाहता हूँ, बहुत दूर तक मैं उड़ना चाहता हूँ. बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर. बट उनकी मदर क्या कहती रहती है, उनकी मदर, ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये बेबी बर्ड और उनकी मदर बर्ड के आपस में हो रहा है. तो जो छोटा बर्ड है यानी जो बेबी बर्ड है, वो अपनी मदर से कहता रहता है कि मुझे दूर तक उड़ना है, मैं उड़ना चाहता हूँ, आसमां में फ्लाई करना चाहता हूँ. लेकिन उनकी मदर बर्ड जो है वो कहती है, नहीं बेटा, अभी आपको और स्ट्रॉन्ग होना है, आपके विंग्स को और स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तब जाके आप क्या कर सकते हो, फ्लाई कर सकते हैं, है ना? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ. जो बर्ड्स है उनको विंग्स हेल्प करती है फ्लाई करने में, जैसे हमें फुट या लेग्स हेल्प करती है टू वॉक, है ना? सो हियर ये जो छोटा बेबी बर्ड है, इसके लिए विंग्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये भी फ्लाई कर सके, है ना? So she rests a little longer then she flies away. अब उनकी जो बात है, जो बेबी बर्ड ने अपनी मदर की बात मानी है कि उन्होंने कहा था उनको, अभी आपको और वेट करना है थोड़ा, जब तक आपकी विंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, तो तब तक ये जो बेबी बर्ड है रुक गया आराम से, अपने विंग्स जो है उनकी स्ट्रॉन्ग होती गई. तो स्ट्रॉन्ग होने के बाद वो उड़ता चला गया फिर, ठीक है? डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट डज द लिटिल बर्ड वॉन्ट टू डू? दिस इज जस्ट अ ब्रेन स्टॉर्म फॉर यू. यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू गिव इट्स आंसर इन योर ओन वर्ड्स, ओके? तो जिस तरह ये जो बेबी बर्ड और उनकी मदर बर्ड के बीच में कन्वर्सेशन है, तो यहाँ पे भी एक छोटा बेबी है और उनकी मदर जो है उनके बीच में भी एक कन्वर्सेशन हो रहा है. क्या कहती है ये छोटी बेबी? What does little baby say in her bed at peep of day? ये भी सुबह सुबह अपनी मदर से कहता रहता है कि मॉम, मुझे भी आपसे कुछ कहना है. Birdie says like little birdie, let me rise and fly away. ये छोटा बेबी अपनी मदर से कहता है कि मुझे भी इस छोटे बर्ड की तरह उड़ना है, मुझे भी आगे दौड़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, है ना? देखो बेटा, यहाँ पे जो बेबी है वो तो फ्लाई नहीं कर सकता, है ना? ऑब्वियसली बात है. बट वो किस बारे में बात करता है? वो वॉक यानी चलने के बारे में बात करता है, ठीक है? तो बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी, लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे. अपनी मदर से कहता है, मॉम मुझे भी छोड़ दीजिए, मैं भी इस लिटिल बेबी लिटिल बर्ड की तरह उड़ना चाहता हूँ, मैं भी बहुत दूर चलना चाहता हूँ. बेबी, बट उनकी मदर उनसे क्या कहती है? बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिम्स आर स्ट्रॉन्गर. अपनी जो मदर है अपनी बेबी से कहती है, नहीं बेटा, अभी आपको और देर वेट करना है, जब तक आपके लिम्स स्ट्रॉन्ग ना बन जाए. लिम्स इसमें इंक्लूड होते हैं आर्म्स भी और आपके लेग्स भी, ठीक है? बोथ आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है? आर्म्स एंड लेग्स, तो लिम्स वही हुए, ठीक है? लिम्स, हैंड्स एंड लेग्स, ठीक है?
ठीक है, तो इनकी मदर इनसे कहती है कि नहीं बेटा, आपको और वेट करना है जब तक आपके लिम्स जो है स्ट्रॉन्ग ना बन जाए। इफ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर मे बी टू शैल फ्लाई अवे। ये अपनी बेबी से कहती है बेटा जब तक आप पूरी नींद नहीं करोगे, जब तक आप अच्छे से नहीं सोओगे, आप तब तक फ्रेश फील, स्ट्रॉन्गर नहीं फील करेंगे। तो इट मीन्स आपके लिए थोड़ा और वेट करना, थोड़ा और रेस्ट करना, थोड़ा और आपके लिए स्लीप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब सारी चीज़ें किस में होनी चाहिए, एक बच्चे में होनी चाहिए कि वो पूरी नींद करे, है ना, पूरा रेस्ट करे, तो तब जाके उनकी जो लिम्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम डियर स्टूडेंट्स। तो आप इसको एक बार फिर से रीड करिएगा विद अ रिदमिक वे, ठीक है। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एनिमेशन इसमें प्रेजेंट करूँगी, वो मैं आपको कल इसमें डाल दूँगी, ताकि आपका जो रिपीटिशन मोड है वो आराम से चला जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।